सभी दोस्तों को राम राम। मेरा नाम है भीम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भीम रूरल फार्मर में। तो वीडियोस के माध्यम से मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने आंगन में अपने खूंटे पर देसी गायें को फिर से पुनर्स्थापित कर पाएँ, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमारे देसी गाय के जो कुठाराघात हुआ है वो HF और जर्सी के आने के कारण हुआ है। तो आज की हमारी विजिट जिला बागपत गांव गढ़ी कांगड़ान में है। तो यहाँ पे आप देसी गोवंश को देख सकते हैं। अंकल जी का नाम हसबीर सिंह है। तो नमस्कार अंकल जी। तो बाबू जी, गाय को आप अपने जीवन में कैसे लेके आए, क्या ऐसी परेशानी बनी, क्या ऐसी दिक्कत बनी कि जो गाय को लाना पड़ा? गाय को ये दिक्कत बनी, जो वैसी अमेरिकन थी, जर्सी थी, अच्छी नहीं है, दूध में भी इनके दिक्कत थी। जी जी। और ये देसी गाय है, इनका दूध अमृत है, बहुत ही अच्छा दूध है, घर परिवार में बहुत ही अच्छा हिसाब इनका रहता है। एक लड़का हमारा है वो बीमार हो गया था, उसकी वजह से ये गाय आई। इसके अच्छा, आपका लड़का जो था वो बीमार हो गया था, जिस कारण आपको गाय लानी पड़ी। तो किसने आपको ये राय दी थी? ये एक डॉक्टर है समापुर बादली में। जी जी। उसने हमें राय दी, अब भाई देसी गाय लिया, उसका दूध इस्तेमाल करो इस बच्चे का। जी जी। अब जब हम ये गाय लिया, हमारे घर में सब बिल्कुल स्वस्थ और बहुत ही अच्छा हिसाब है, कोई सुख शांति है, हमारा लड़का भी नौकर वगैरह इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बहुत तो कहीं ना कहीं आपकी जो घर में बीमारी थी, जो दिक्कत थी, वो भी कहीं ना कहीं दूर हुई है और आपका लड़का भी नौकरी पे गया है यूपी पुलिस में। ये बहुत बढ़िया है। चार गांव हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और वो इसकी बछड़ी है H860 की, उसे भी बाद में कवर करेंगे। और डॉक्टर से कितना पीछा छूट गया जब से आई है? डॉक्टर का तो कोई काम ही नहीं रहा। अच्छा। हाँ, कभी कोई दिक्कत नहीं। जी, घास बहुत ही बढ़िया। जी जी। थोड़ा घास, खुराक थोड़ी। अच्छा, पहले जो पालते थे वो अमेरिकन गाय पालते थे आप? हाँ। तो उनमें और इनमें क्या चेंज लगा है, क्या फर्क है इनमें? इनमें ये फर्क है, एक तो दूध अच्छा। अच्छा। एक गोबर की जो है उनका छेरा चला था, इनका गोबर अच्छा बहुत ही अच्छा है। उनका जो गोबर था वो पतला था, पतला था, बेकरा, बिल्कुल सिधान दावा थी। हाँ हाँ, बदबू भी मारती है उसके गोबर की। मतलब ये गोबर करती है वहाँ मक्खी मच्छर कोई काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इनका जो पेशाब है वो खेती में भी काम आवे, स्प्रे में भी काम आवे, बहुत ही अच्छा दवाई। लोग भी दवाई के लिए आपसे आप बता रहे थे कि लेके जाते हैं आपसे? हाँ जी जी, बहुत ही अच्छा जीते गाय, बहुत ही। तो आप कहाँ से लेके आए थे गाय को? हरियाणा से लाए। हरियाणा से लाए थे, डिस्ट्रिक्ट पानीपत से, बताया था आपने। तो कितने रुपए में लेके आए थे? उसे लाए थे जी हम 12,000 रुपए में। कुल 12,000 रुपए। हाँ। बहुत बढ़िया जी। तो क्या डिटेल है इसकी, कितना दूध बना दिया है इन्हें? जी पहले तो दिया था इन्हें 7 ही किलो दूध। जी दिया, ज्यादा बोधी थी, हरी हुई थी, गलसी रही थी। जी जी। इनने 13-14 किलो दूध काटा जब आप लाए थे, जब किसी ऐसे के पास थी कि उसने कमजोर कर रखी थी, उसने या गड़ा रखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। एक ही जगह थी। और अमेरिकन गाय में और देसी गाय में यही फर्क है कि वो एक खुट्टे से बंध के रह सकती है, लेकिन ये एक खुट्टे से बंध के नहीं, इसको आंगन बड़ा चाहिए। इसकी तो बहुत ही मतलब सेवा चार्ज ही, दूध का अमृत है इसका। तो कृष्ण जी ने भी वास करा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, गायों के बीच में कृष्ण जी रहा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जो जितना भी हो सके लोग बागों को जागरूक करो। बिल्कुल बिल्कुल। इनका और इनका जो आंगन है वो काफी बड़ा है और रेत की व्यवस्था की हुई है इन्होंने। यहाँ पे नीम का पेड़ है आंगन में, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है इन्होंने। और इनके पास शायद भैंस का एक ही भैंस वंश है, वो भी कटरा है, और टोटल गोवंश है आपके पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये गाय होगी इनके पास, एक ये गाय होगी इनके पास, और इस गाय की ये बछड़ी है, और ये H860 की है। तो आगे ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर राहुल तोमर गढ़ी कांगड़ान वाले, तो ये डिटेल देंगे। तो आपने सीमन लगाया था? हाँ जी, हाँ जी। कितने महीने की होगी ये? तो लगभग 7-8 महीने की होगी। 7-8 महीने लगभग, पक्का तो पता नहीं। अच्छा अच्छा। रजिस्टर में तुम्हें तो आगे भी आपने इसी में लगाया उस गाय को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कोई जो परली गाय है अब की बार प्रेग्नेंट है, जो शक्ति से है अब की बार, शक्ति से है। और इसकी क्या डिटेल है? इसकी डिटेल जो मैंने इसको सीमन नहीं लगाया। अच्छा, इसको नहीं लगाया। अच्छा अच्छा। और एक बछड़ी इनके पास ये है? ये बछड़ी थारपारकर है। अच्छा, हाँ, ये कुछ लग रही है थारपारकर का, वैसे मुझे लगता नहीं है क्योंकि इसमें सुंडी नाम मात्र है, लेकिन फेस की तरफ से लग रहा है। हाँ, भी हेड की तरफ।
हाँ फेस की तरफ से लग रहा है, कुछ थारपारकर है, हो सकती है। हाँ और इन्होंने यहाँ पे कच्चे की व्यवस्था की गई है, इधर पक्का भी है और इधर कच्चा भी है, और ऊपर नीम की छांव देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा वातावरण दिया गया है इन्हें। तो इनका ये चार गोवंश सिंध के पास। हाँ और क्षेत्र में वो जो आगे अपनी जो हम अपनी यूपी में लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं जी, वो अपनी देसी गायें पे जागरूक हो जी, वो जो हरियाणा साहिवाल थारपारकर पर काम कर सके जी, और जिसके पास में जो है कि मतलब गिर है हाँ, मतलब ब्रीडिंग और ब्रीडिंग है जो ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग और सेलेक्टिव ब्रीडिंग जी जी और लाइन ब्रीडिंग जी, तो ब्रीडिंग पे ही काम करे पशुपालक। अगर वो मतलब किसी पशुपालक का मिजान मतलब मिजान भी कम है पैसे का, तो वो अच्छी गाय से अच्छी बछड़ी लेकर वो जो 4.25 लाख रुपए की जो बछड़ी बेची तो वो पशुपालक बेच सकता है। पर ब्रीडिंग मतलब नस्ल सुधार करनी पड़ेगी, जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग अच्छे सीमन का प्रयोग करें, प्रयोग करना पड़ेगा। आप चाहे फिर आपके पास गाय बेशक कम दूध वाली हो, हाँ, चाहे 8-9 किलो पे यूज करो, मतलब दूसरी तीसरी पीढ़ी में जो प्योर 15-16-18 किलो तक जा सकती है। बिल्कुल 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 जा सकती है। और अगर आप आपको अच्छी तरीके से तैयार कर रहे हैं, भरपूर दूध पिला रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। और साहिवाल और देसी ये लगा लो तो साहिवाल है, हाँ। साहिवाल भी 25-25 किलो की गाय है, जो साहिवाल बिल्कुल एचएफ जर्सी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है जी। और इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, A2 प्रोटीन दूध है, और तो ये गर्मी का देखो आप टेम्परेचर का देखो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक मैंने जो एचएफ जर्सी जिनके पास बंधी हुई है वो आज हाँप रही है, क्योंकि आज करीबन 45 डिग्री तक टेम्परेचर है, मतलब हीट स्ट्रोक फ्लेरिया, बहुत दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इन अंकल जी का कहना है कि जिस दिन से ये गाय आई है तो डॉक्टर का खर्चा इनके यहाँ पे बहुत कम हो गया है। बीमार होती नहीं बेचारी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये खुद भी बीमार नहीं होती और जिनके पास रह रही है वे भी बीमार नहीं होते ये बेचारी। और वो बछड़ी बहुत अच्छी आगे है, उसकी मतलब आगे ब्रीड आएगी, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो 14 मतलब ये 10-12 केजी की है, 12-13 की होगी, 12-13-14 तक बता रहे हैं अंकल जी, 14 तक दूध दिया है, क्योंकि अभी भी ये देख लो आप, इसको 7वां महीना लगा हुआ है और अभी भी इसकी अर्डर क्वालिटी आप देख सकते हो, ये एक समय दूध दे रही है फिलहाल, जो इन्होंने डिटेल बताई है। मिल्क वेन देख सकते हैं आप इसकी, और थनों का गैप बहुत ही अच्छे थन है, ये देखिए 4 किलो दूध वर्तमान में दे रही है, 7वां महीना इसको लगा हुआ है और सख्ती से प्रेग्नेंट है। तो अंकल जी एचएफ जर्सी का और हरियाणा नस्ल का अपने देसी गोवंश का फर्क बताओ कि इनका चारे का खर्चा उनका कितना है और इनका कितना है। मैंने तो चारा उनका ढेर खर्चा है, और मतलब इनका बहुत कम दूध, इनका ज्यादा बढ़िया है, एक बीमारी का घर जाते हो हर वक्त डॉक्टर मिलाना पड़े, और ये तो बहुत ही अच्छा हिसाब इनका है, जो मैंने गोबर भी करा दी कोई मक्खी, इनका पैसा भी लोग बाग ले जाते हैं, मतलब वो भी ले जा, और हम इनका स्प्रे में भी इस्तेमाल करें। अच्छा जो आप खेतों पे स्प्रे करते हो, हाँ, तो आप उसमें भी यूज करते हो, लाभकारी है जी जी। हाँ तो आप आपके यहाँ से लोग पेशाब भी लेके जाते हैं देसी गाय का, जो बीमार लोग हैं वे बहुत ही ले जाते हैं जी जी। और इनका लड़का भी जो हमारा जो लड़का बीमार हुआ था उसी की मेहरबानी से, और गांव माता की मेहरबानी है कि वो यूपी पुलिस में भी जी जी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया उसका, और वो पहले बीमार था वो ठीक भी हुआ है इस गाय की वजह से। बिल्कुल जी बिल्कुल। दूसरी बात ये जो भी इसका दूध घी इस्तेमाल करे फुर्तीला और दिमाग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, पढ़ने में भी जो बड़ा जी जी की तैयारी करे जी, इसके तो बहुत फायदे हैं जी।